चाहिए ना, बिल्कुल परफेक्ट। सर इधर देखिए सारे, ओके तो हाथ में ले ऊपर। सर आप भी इधर देखिए सर, हाँ केवल आपकी जो आईज है ना इस पर रहनी चाहिए सर, थोड़ा हाथ दिलो पीछे, हल्का सा, हल्का सा बस। हाँ सब तैयार है वो सर, चाय तो पीते रहना आप सर। टेक एंड टीम भी रेडी आपके? यस सर, ठीक है भाई। रिकॉर्डिंग टीम करना? यस सर, ठीक है भाई। हाँ यस, टेक एंड टीम रेडी? पहले एक मिनट, पहले एक करवाओ, ये एक ही करवाने हैं ना पहले एक। हाँ टेक एंड टीम रेडी सर, एक साथ करवाएंगे, एक 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 करवाएंगे ना, बिल्कुल बारी बार सबका नंबर रहेगा, एक साथ नहीं हुआ। यस सर, बोलो भाई। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 लगाओ, 1, 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
चला गया। बहुत बढ़िया। सर एक मिनट, सर एक मिनट। यस यस काउंटिंग। टेन नाइन सिक्स फाइव टू वन फोर। पीछे नहीं जाना। टेन नाइन सिक्स फोर थ्री टू वन फायर। ये तो हुआ अपोजिट गया। आप ले लो पहले। ठीक है। हाँ सर बताएं किस तरीके का आयोजन रखा गया है? ये मॉडर्न रॉकेट निर्माण कार्यशाला है। मैं डॉक्टर मोहम्मद फारूक बीकानेर से। हमें भारत के विभिन्न देशों में और राजस्थान के विभिन्न राज्यों के अंदर ये मॉडर्न रॉकेट कार्यशाला की है। इसमें हजारों की संख्या में बच्चे और शिक्षक दोनों ने भाग लिया है। इसमें हम खेल खेले विज्ञान के जटिल सिद्धांतों को सिखा देते हैं, जैसे बर्नौली सिद्धांत क्या है, न्यूटन के गति के नियम क्या है, त्वरण क्या है, वेग क्या है, और इसके अंदर ऊंचाई रॉकेट कितना ऊंचा जाता है और कैसे फैब्रिकेट करते हैं, या नोज कोन क्या है, लॉन्च लग क्या है, पार्ट्स जितने होते हैं रॉकेट के, वो सब इनको बताना सिखाते हैं। क्योंकि रॉकेट बनाना बड़ा महंगा प्रक्रिया है और इसमें किशोर ये निदान कैसे करें, और अरबों रुपया खर्च हो जाता है, इसके बाद भी वो असफल होते हैं। लेकिन हमारे रॉकेट असफल होते हैं तो हमें सिर्फ 10 रुपये का नुकसान होता है, कुछ नहीं होता, और बच्चे खेल ही खेल में विज्ञान के जटिल सिद्धांत सीख जाते हैं और प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों बातें सब सीख जाते हैं।
मेरा अपना नाम बोलो। किस तरीके का रॉकेट बनाया आपने? सर हमने एक मॉडल रॉकेट बनाया था जो कि जो अपना रियल रॉकेट होता है वो उससे थोड़ा साइज में छोटा होता है और रियल होता है, फ्लाइंग भी करता है और हाँ वो काफ़ी ऊपर तक भी गया था हमारा जो रॉकेट बना था। और क्या क्या सामग्री इसमें हमने 7 पार्ट्स लगाए थे। जो फर्स्ट था वो नोज कोन था और उसके बाद बॉडी ट्यूब थी, कपलिंग ट्यूब थी एंड फिन्स वगैरह ये सब लगाए हुए थे। इसमें इंजन था, इंजन के माध्यम से वो मतलब ऊपर गया था, उसके इंजन के ऊपर ट्रस्ट रिंग लगाई थी जो कि उसके मतलब इंजन के जो फोर्स रहता है उसका वो उसको ऊपर लेके रॉकेट को ऊपर लेकर गया था। आप बताएं इतनी सी कम उम्र में साइंटिस्ट बन गए, रॉकेट बना दिया, कैसा? हमारे सर की वजह से हमने रॉकेट बनाना सीखा, उसमें रॉकेट कैसे ऊपर जाता है, कैसे चल रहा है उसके बारे में समझने में सर ने बताया कैसे चल रहा है, नोज कोन, कपलिंग ट्यूब, इंजन सबके बारे में सर ने बताया कैसे क्या हो रहा है कैसे क्या नहीं हो रहा है। कैसा लगा सीख के? हमें बहुत अच्छा लगा सीख के, वही सर ने हमें सिखाया अच्छी तरह से रॉकेट कैसे जा रहा है कैसे नहीं, सिखाया बनाना सिखाया हम लोगों को। ठीक है, थैंक यू। हाँ मैम बताएं किस तरीके का आयोजन रखा गया है? सर ये एक मॉडल रॉकेट की कार्यशाला है, इसमें मॉडल का बच्चे खुद निर्माण करते हैं और ये पेपर और जो इसका सामग्री है पूरी विंग्स और लॉन्चिंग पैड है उसके अनुसार ये लोग 5 दिन तक बच्चे खुद अपने आप मॉडल बनाते हैं और मॉडल बना के खुद का सफल प्रयोग करते हैं। इसके लिए हमने ये 5 दिवसीय आयोजन किया है। ये आयोजन लाल बहादुर सीनियर सेकेंडरी स्कूल रानपुर में आयोजित किया गया और आज विज्ञान केंद्र में इसका समापन हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। और ये कार्यशाला बिल्कुल निःशुल्क है, बच्चों को जो रॉकेट जो किट है वो हमने बच्चों को ही दे दिए हैं निःशुल्क यहाँ से। और इसके लिए हमने एक एक्सपर्ट जो इसके विशेषज्ञ हैं डॉक्टर फारूक, उनको बीकानेर से हमने बुलाया है और 5 दिन तक उन्होंने बच्चों के साथ 5-5 घंटे पूरा टाइम दे के उनको एक एक चीज़ बनाना सिखाया है। और आज हमने विज्ञान केंद्र में इसकी लॉन्चिंग भी की है जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण आप सबने देखा है। धन्यवाद। आपका नाम? मेरा नाम प्रतिभा सिंह है, मैं अनुसंधान अधिकारी हूँ बीकानेर।